आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको नई जानकारी देना जा रहा हूँ। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करूँगा। तो आज मैं गाड़ियों पे जो नंबर प्लेट है उनके बारे में बात करूँगा। इसमें कई तरह के नंबर प्लेट यूज़ किए जाते हैं गाड़ियों पे, और उनका कई अलग अलग मतलब होता है। अक्सर सड़कों पर आपको कई अलग अलग कलर के नंबर प्लेट दिख जाते हैं, और कई बार आपको आपके दिमाग में ये घूमता होगा कि ये कलर किस, मतलब ये वाइट है, ये ब्लू है। मेरे लिए 7 कलर के नंबर प्लेट यूज किए जाते हैं जो कि 7 कलर में आते हैं। तो ये अलग अलग गाड़ियों में यूज किए जाते हैं जिसका अलग अलग उपयोग है। ज़्यादातर आपको सफ़ेद रंग की गाड़ी जो है नंबर प्लेट वाली, वो आपको दिख जाएगी ज़्यादातर। गाइज, डिटेल में शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी जो कलर है गाड़ियों में वो कहाँ यूज किया जाता है और किसके लिए यूज किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, जो फर्स्ट कलर है वो है सफ़ेद। सफ़ेद ये ज़्यादातर ना आम गाड़ियों में लगती है, तो ये पर्सनल गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। ये पर्सनल यूज के लिए, इससे ये आपको बहुत ही सड़कों पे दिखाई देगी। इस गाड़ी से आप कमर्शियल यूज़ में नहीं ला सकते। अगर कमर्शियल यूज़ में आपने लाने की कोशिश की तो उससे चालान कट जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड होता है वाइट होता है, और इसे ब्लैक कलर के अक्षरों में इस पे गाड़ी के नंबर लिखे होते हैं। जो दूसरा रंग है वो पीला रंग है। जो पीला रंग होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए। ये आपने टैक्सियों में देखा होगा जो कि इधर से उधर लोगों को ले जाते हैं, तो ये बिजनेस पर्पज़ से यूज़ किया जाते हैं टैक्सियाँ। और आपने उस पर भी देखा होगा ट्रक वरक पे, तो इस पर आपने देखा होगा पीले रंग की नंबर प्लेट रहती है, और उस पर ब्लैक कलर का मैटर लिखा रहता है। गाइस, तीसरा कलर है नीला कलर। तो नीले कलर के जो नंबर प्लेट है वो केवल वाहन उन लोगों के मिलते हैं जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह गाड़ी जो है विदेशी दूतावास की है, ठीक है, या फिर यूएन मिशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो यह नंबर प्लेट जो होती है वो नीले कलर की होती है, और उस पर सफ़ेद कलर के मैटर होते हैं। ये गाड़ी बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये वीआईपी गाड़ियाँ होती है जिसपे नीले कलर का नंबर प्लेट रहता है। ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर वाली जो गाड़ियाँ है ये भी कमर्शियल में आती है, और ये आपको मेनली जो बड़े होटल है वहाँ पर मिल जाएगी ये खड़ी हुई। और जो ब्लैक कलर है इस पर पीले रंग से नंबर लिखा होता है। लाल प्लेट ये बहुत ही खास होती है। ये हमारे राष्ट्रपति के लिए यूज होती है, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल के लिए यूज की जाती है। ये बहुत ही वीआईपी नंबर प्लेट है, और ये आपको ज़्यादातर पार्लियामेंट या ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगी जहाँ पर काफ़ी वीआईपी लोग रहते हैं, नेता लोग या राष्ट्रपति, तो उनके लिए यूज की जाती है। गाड़ी का जो बैकग्राउंड होता है वो लाल होता है, और इस पे अशोक का चिन्ह होता है, और जो गोल्डन कलर से मैटर लिखे जाते हैं। तीर वाली नंबर प्लेट ये 6 नंबर पे आती है। तो तीर वाली नंबर प्लेट मेनली हमारे यूज जो आती है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है, जो हमारे सैन्य बल रहते हैं उनको दी जाती है ये। इन नंबर प्लेटों में जो है तीसरे अंक के स्थान या शुरुआत में ही जो तीर का निशान बना होता है, जो तीर होता है उस तीर के बाद के पहले 2 अंक उस साल को दिखाते हैं जिसमें उस सैन्य अधिकारी या सैन्य बल ने उसको खरीदा हो। ये वो हरा नंबर प्लेट। तो सड़क मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे नंबर के प्लेट जो है निर्धारित की है। प्लेटों का बैकग्राउंड हरा होगा, और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से पीले अथवा सफ़ेद रंग से लिखे जाते हैं। तो गाइज, ये टोटल 7 जो है नंबर प्लेट यूज किए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंट्रो व्लॉग।